हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान सभा मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसान सभा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, किस रीज़न में स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। तो जो किसान सभा मूवमेंट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसान सभा मूवमेंट की बात करूं तो किसान सभा मूवमेंट में हुआ क्या था कि जो होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था 1916 में, जो कि एनी बेसेंट और तिलक ने स्टार्ट किया था, तो इसमें हुआ क्या था किसान सभा में, जो जो HRL होम रूल लीग के जो यूपी के एक्टिव मेंबर्स थे उनमें थे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। इन्होंने हेल्प ली थी, सपोर्ट था मदन मोहन मालवीय का, उनके द्वारा ये जो किसान सभा मूवमेंट थी, किसान सभा था, उसे इस्टेब्लिश किया गया और इसे सेटअप किया गया इन 1918। तो किसान सभा जो यूपी किसान सभा थी इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1918 में। तो ये एक फैक्ट है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यूपी किसान सभा सेटअप कब हुआ था, 1918 में। और इसे सेटअप किसने किसने, इसमें जो मेन रोल था वो था गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो जो यूपी किसान सभा था इसमें लगभग 450 ब्रांचेज इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, इन 173 तहसील्स ऑफ द प्रोविंस बाय मिड 1919। तो ये 1918 में ये यूपी किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया, इसे बनाया गया, और मिड 1919 आते आते 1919 आते आते इस जो यूपी किसान सभा थी इसमें 450 ब्रांचेज इस्टेब्लिश की गई इन 173 तहसील। इसके आगे इन मिड 1920 बाबा रामचंद्र जो थे वो एक इमर्ज हुए एज ए लीडर ऑफ पीजेंट्स इन अवध रीजन। अवध रीजन के में जो बाबा रामचंद्र थे ये एक एज ए लीडर ऑफ पीजेंट्स जो किसान थे उनके एक लीडर इमर्ज हुए मिड 1920 में एंड लेड ए फ्यू हंड्रेड टेनेंट्स फ्रॉम जौनपुर। उन्होंने जौनपुर और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कुछ जो वहाँ के टेनेंट्स थे उनके साथ वो इलाहाबाद के लिए गए, उनको ले के साथ में, और वो वहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको जो वहाँ की पीजेंट्स की कंडीशन थी उसके बारे में बताया। इसके बाद जो नेहरू थे उन्होंने कई सारी विजिट्स की रूरल एरियाज़ में और उनके काफ़ी क्लोज रिलेशन हो गए थे इस किसान सभा मूवमेंट्स से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विजिट्स की और काफ़ी देखा कि पीजेंट्स के ऊपर जो टैक्सेशन थी और जो बेदखली प्रक्रिया थी वो सब लागू हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी फोर्सफुली उनसे कल्टीवेट कराते और बहुत सारे टैक्सेस उन पे लगाते। तो इस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका कई बार विजिट हुआ रूरल एरियाज़ में, उन प्रतापगढ़ और जौनपुर एरियाज़ में। उसके साथ ही साथ जब इनकी जो विजिट्स थी वो कंटिन्यू हुई तो उनके जो रिलेशन थे वो किसान सभा मूवमेंट से काफ़ी क्लोज हुए। इसके बाद जब लेट 1920s हुआ तो जो अवध किसान सभा थी एक अल्टरनेटिव अवध किसान सभा बनाई गई। एक तो यूपी किसान सभा थी जो कि 1918 में सेटअप हुई थी, लेकिन लेट 1920 में एक अल्टरनेटिव अवध किसान सभा एट प्रतापगढ़ में बनाई गई, और इसमें जो रोल था वो था जवाहरलाल नेहरू का, माता बादल पांडे का, बाबा रामचंद्र का, देव नारायण पांडे का और केदारनाथ का। इन्होंने इस जो अवध किसान सभा थी इसमें करीब 330 किसान सभा की, इस अवध किसान सभा के अंदर अराउंड 330 किसान सभास को इसमें कंडक्ट किया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सभा थी वो सभा एग्जॉर्टेड, सभा ने मतलब जो वहाँ के पीजेंट्स थे, ठीक है, उनको उनको लाइक सपोर्ट किया और उनको बताया गया कि आप रिफ्यूज़ करिए जो बेदखली लैंड है उनको मना करिए देने से, ठीक है, नॉट टू ऑफर हर एंड बेगर्स। उनको जो ऑफर जो ब्रिटिशर्स थे
उनको जो ऑफर किया जाता था हर और बेगर, उसको भी देने से मना करिए, बॉयकॉट करिए। दोज हु डिड नॉट, जो भी पीजेंट्स, जो भी किसान इसको नहीं मानते हैं, उनको बॉयकॉट करिए, और जो भी डिस्प्यूट्स होता है उसे पंचायत लेवल पे सॉल्व करिए। इसके बाद 1921 आते आते ये सभा जो थी, यूपी किसान सभा और अवध किसान सभा, जो दोनों सभाएं थी, ये दोनों काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट की ड्यूरिंग जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, जो कि महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे, उसमें इसने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने जो मुद्दे थे किसानों के वो भी रखे साथ में। और जो द नेचर ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट अंडरवेंट ए मार्क चेंज विद द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे वो इंडल्ज हो गए, लाइक लूटिंग ऑफ बाजार्स, हाउसेस, ग्रेनरीज एंड क्लैसेस विद द पुलिस, वो बाजार को लूटना और घरों में लूटना, उसके बाद जो अनाज भंडार थे उनको लूटना, और जो पुलिस थे उनसे क्लैसेस उनके बढ़ गए जो पीजेंट्स थे। और इस तरीके से जो ये जो मूवमेंट था किसान आंदोलन, ये कन्वर्ट हो गया दूसरे शिफ्ट में, और गवर्नमेंट ने इस जो पूरा मूवमेंट था उसे इजीली सप्रेस्ड किया, दिस आउटब्रेक ऑफ वायलेंस एंड पास्ट, और साथ ही साथ एक अमेंडमेंट किया, एक एक्ट पास किया, अवध रेंट एक्ट, इसके जिसके फलस्वरूप हुआ गया कि जो टेनेंट्स थे जो कि पैसा देते थे, कर देते थे किसी लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए, उनको थोड़ी रिलीफ मिली। जब गवर्नमेंट ने इस जो पीजेंट मूवमेंट था इसको देखा कि ये काफ़ी लाइक एग्रेसिव हो रहा है, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, एक एक्ट पास किया, और उसके थ्रू इस जो एक्ट का नाम है वो है अवध रेंट एक्ट। इसमें उन्होंने जो टेनेंट्स थे उनको रिलीफ दी कुछ, लाइक उनके जो रेंट्स थे उनको डाउन किया, और जो टैक्सेस थे उनको भी थोड़ा रिलीफ दी। इससे जो टेनेंट्स थे उनमें लाइक स्टेबिलिटी आई। तो ये था आपका किसान सभा मूवमेंट। इनमें आपको याद रखना है कि यूपी किसान सभा 1918 में सेटअप हुई, और इसके बाद अवध किसान सभा 1920 में, और दोनों ही सभा में, यूपी किसान सभा में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय, और जो अवध किसान सभा थी उसमें जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे एंड केदारनाथ। ये फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है? तो ये था आपका यूपी किसान सभा और अवध किसान सभा। इसके साथ ही ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।